अभी भी मैं यहाँ से गुजरा था, बाहर मैं निकला था तो यहाँ पे मुझे एक इंटरनेशनल क्रिकेटर मिला, और वीडियो तो मैं नहीं बना सका लेकिन पिक्चर शेयर करूँगा। लेकिन आप लोगों ने गेस करना है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेटर जो है वो कौन है, और आपने कमेंट में नीचे गेस करके बताना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं उसकी पिक्चर जो है ना वो दिखाने वाला हूँ कि कौन सा इंटरनेशनल क्रिकेटर था जो मुझे यहाँ पर मिला और मैंने उसके साथ पिक्चर ली है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उस्मान शाहिद व्लॉग्स। और आज का हम लोग जो है वो अपना व्लॉग शुरू करने वाले हैं, और आज का व्लॉग होने वाला है खास क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची में, और यहां से पहले हम लोग चल रहे हैं दुबई, और दुबई से हम लोग जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहे हैं साउथ अफ्रीका क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए। तो चले हम जो है अपने व्लॉग को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। पैकिंग जो है वो मैं स्टार्ट कर दी हुई है, ये मेरा सूट भी आ गया, और इसके अलावा ये बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें पैक करनी मैंने स्टार्ट कर दी हैं। ये कपड़े भी जो हैं ये अभी जो नई टीम के कपड़े हैं सारे ये मिले हैं, इसका भी व्लॉग आगे चल के करूँगा मैं। और बस अभी ये थोड़ा सा पैक किया है, बाकी भी थोड़ा थोड़ा मैं साथ साथ करता जा रहा हूँ। तो जी मैं रेडी तो ऑलमोस्ट हो चुका हूँ, और मुझसे कि मैंने ये सामान तो पैक कर दिया था सारा, लेकिन अब मुझे दोबारा बाहर निकालना पड़ रहा क्योंकि मैंने जो इसकी जो बेल्ट्स हैं ना वो नहीं लगाई थी, और ये वाली, और मुझे पता है कि इसके अंदर मैंने लैपटॉप, अगर मैंने इसके अंदर लैपटॉप रखा तो उन्होंने जो है ना सामान ऊपर नीचे फेंकना, और बाद में वो टूटने का भी डर हो सकता है। तो इसलिए भी मुझे क्या है कि सारा कुछ अभी दोबारा वापस निकालना है, और वापस निकालने के बाद जो है फिर से मुझे दोबारा जो है ना उसके अंदर डालना पड़ेगा। तो अभी स्टार्ट करने लगूँ क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। ये मेरा सामान जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ये भी जो मेरा बैग रेडी है, ये वाला बैग भी जो है, और अभी जो है टाइम बिल्कुल कम रह गया हुआ है। अब मैं बारी बारी ये जो दोनों बैग हैं नीचे ड्रॉप करने जा रहा हूँ, तो मैं ये वाला छोड़ कर आता हूँ बैग, फिर अगली बात करते हैं। पहले तो काफ़ी देर से यहाँ लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ, लेकिन लिफ्ट है कि आने का नाम ही नहीं ले रही है अभी तक। लो जी फाइनली सारी पैकिंग चेकिंग हो गई है, सामान वगैरह जा चुका है, और मैं फाइनली जो है वो चेकआउट करने के बाद जो है अपने रूम से भी बाहर आ चुका हूँ। वेटिंग फॉर ऑल अदर मेम्बर्स, और जैसे ही वो अब लोग आने वाले बिल्कुल ऑलमोस्ट, क्योंकि टाइम तो हो चुका है, अब जैसे ही ये तमाम लोग आ रहे हैं तो हम लोग जो है यहाँ से आगे चल रहे हैं। कराची एयरपोर्ट जो है मैं फाइनली यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, और अभी जो है हम लोग यहाँ से जो है आगे ट्रैवल करने वाले हैं दुबई के लिए, लेकिन अभी तक जो है मैं थोड़ा वेट कर। अच्छा जी, एयरपोर्ट के ऊपर तो अभी ठीक ठाक जो है ना वो रश बढ़ चुका है, क्योंकि जब मैं आया था उस वक्त इतना रश नहीं, अभी तो ये देखें बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश बढ़ चुका है इस वक्त, और अभी भी जो है ना मैं स्टिल वेट कर रहा हूँ। अभी हमारी लोगों की जो चेक इन है वो स्टार्ट, इंतजार के बाद फाइनली अब बारी आ गई है हमारी, दो ढाई घंटे लग गए यहाँ पे वेट करते करते जो है फाइनली जगह मिल गई है, काफ़ी देर जो है ना लाइन में लगने के बाद, और अभी काफ़ी लोग जो है जी। अभी दुबई जो है वो मैं यहाँ से पहुँच चुका हूँ, इस वक्त जो है मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ इस वक्त, और यहाँ पे जो है ना अभी ऑलमोस्ट कोई चार घंटे का हमारा स्टे होगा, और चार घंटे के स्टे के बाद जो है ना हम लोगों ने यहाँ से अगली फ्लाइट जो है वो साउथ अफ्रीका के लिए लेनी है। ये यहाँ की जो है ड्यूटी फ्री शॉप के ऊपर मैं इस वक्त आया हूँ, यहाँ से हर चीज़ जो है वो मिल जाएगी आपको, ये सारी चॉकलेट्स वगैरह भी इस साइड के ऊपर यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ये सारी डेयरी मिल्क की वैरायटी है, और इसके अलावा जो है अभी मुझे जो है ना तकरीबन यहाँ पे चार घंटे जो है ना वो वेट करना था, और अभी तक तकरीबन जो दो घंटे गुजरे हैं, और दो घंटे जो है ना अभी भी वापस अभी और मज़ीद वेट करना है, और नींद जो है वो इस वक्त आनी शुरू हो गई हुई है। लेकिन अभी क्या है कि ऑप्शन यही है कि सिर्फ और सिर्फ जो अभी वेट करना है, क्योंकि अभी भी फ़्लाइट के अंदर दो घंटे तकरीबन बाकी हैं, तो देखते हैं अभी ये टाइम कैसे गुजरता है। ये मैं आया हूँ टोबैको शॉप के ऊपर, यहाँ पर आपको जो है ना हर किस्म के जो भी सिगरेट्स हैं ना वो आपको बड़ी आसानी से यहाँ पर जो है मिलेंगे, ड्यूटी फ्री हैं, और प्राइस भी जो है वो इनकी अच्छी होती है, यहाँ से ये आपको सारे सिगरेट्स वगैरह
यूसी की शॉप है सारी की सारी, आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ना आपको जो भी है ना वो इंटरनेट जो है ना, जैसे ही आप यहाँ पे लैंड करेंगे दुबई एयरपोर्ट के ऊपर, तो यहाँ पे आपको इंटरनेट जो है ना वो फ्री वाईफाई आपको मिल जाएगा, और मतलब आपको कोई सिम वगैरह परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं भी अभी जब यहाँ पर लैंड किया था तो मैंने जो वाईफाई यहाँ का मैंने कनेक्ट किया, और मतलब इतना फ्रीक्वेंटली चल रहा था कि मतलब मैंने आराम से घर जो थी ना, कॉल तो नहीं हो सकी लेकिन थ्रू व्हाट्सएप जो ऑडियो मैसेजेस हैं उसके ऊपर बात हो गई थी। से निकल के यहाँ पर आ चुका हूँ और इस वक्त मैं हूँ जोहान्सबर्ग में, वहाँ लग गया है फाइनली, और मैं यहाँ पे जो है ना इस वक्त बाहर आ चुका हूँ। अभी जो है हम लोग जो है यहाँ पे बस में आके बैठ गए हैं, और अभी हमने यहाँ से तकरीबन एक डेढ़ घंटे की जो आगे ऑलमोस्ट आगे ड्राइव है वो भी हमने करनी है, और यहाँ से हमने वहाँ पर जाना है। उसमें आके बैठ चुका हूँ यहाँ पर, और यहाँ से अभी हम लोग जस्ट आउटसाइड दी एयरपोर्ट अभी हम जो है सिर्फ आए हैं। फाइनली जो है ना मैं अपने डेस्टिनेशन पे जो है फाइनली पहुंच चुका हूँ, जहाँ पे हम लोगों ने स्टे करना था, और जो है हम लोग स्टे कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग आ चुके हैं इस वक्त।